लौट आया कांग्रेस का दिग्गज नेता। 6 बार के विधायक ने की घर वापसी। विधानसभा चुनाव से पहले 2 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी को लगा तगड़ा झटका। आपको बता दें, हरियाणा में कांग्रेस का कुनबा बढ़ गया है। अलग अलग पार्टियों के नेता कांग्रेस का दामन थाम रहे हैं। इसी कड़ी में सोमवार को 6 बार के विधायक व पूर्व मंत्री संपत सिंह सहित 5 नेताओं ने कांग्रेस का दामन थामा। संपत सिंह के आदमपुर सीट के उपचुनाव में कांग्रेस के उम्मीदवार होने की संभावना है। ऐसे में आदमपुर उपचुनाव रोचक हो सकता है। पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा, सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा व हरियाणा कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष चौधरी उदय भान के नेतृत्व में 5 नेताओं ने कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की। कांग्रेस में शामिल होने वाले नेताओं में पूर्व वित्त मंत्री प्रोफेसर संपत सिंह, पूर्व विधायक राम भगत शर्मा, पूर्व विधायक राधे श्याम शर्मा, हेमंत सिंह और ललित अरोड़ा शामिल हैं। इन सभी नेताओं को चौधरी उदय भान ने कांग्रेस का पटका पहनाकर स्वागत किया। उन्होंने कहा कि आज एक बार फिर परिवार के पुराने सदस्य कांग्रेस परिवार में इकट्ठा हो गए हैं। भविष्य में सभी मिलकर भाजपा की जन विरोधी और सांप्रदायिक नफरत वाली नीतियों को हराने का काम करेंगे। उन्होंने कहा कि इनके अलावा अग्निपथ योजना, बेरोजगारी और महंगाई जैसे मुद्दे पर सरकार के खिलाफ जारी लड़ाई को भी और मजबूती मिलेगी। दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि आने वाले चुनाव में कांग्रेस बीजेपी जेजेपी सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करेगी। उदय भान ने दावा किया कि हिसार और आदमपुर से दर्जन भर पूर्व सरपंचों ने भी कांग्रेस ज्वाइन की है। इसके साथ ही आपको बता दें, हिमाचल प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी को तगड़ा झटका लगा है। जी, पूर्व विधायक सुरेंद्र काकू ने घर वापसी कर ली है। सोमवार को नई दिल्ली में कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी राजीव शुक्ला, प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह, नेता विपक्ष मुकेश अग्निहोत्री, कार्यकारी अध्यक्ष हर्ष महाजन की मौजूदगी में कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की। बता दें, करीब 3 साल पहले सुरेंद्र काकू कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हो गए थे। बीते दिनों भाजपा में शामिल हुए विधायक पवन काजल के चलते काकू कांग्रेस छोड़ दिए थे। अब पवन काजल के भाजपा में शामिल होने पर सुरेंद्र काकू पुनः कांग्रेस में वापसी कर ली है। बता दें, काकू कांगड़ा सीट से कांग्रेस टिकट के प्रबल दावेदार भी हैं। चुनाव से पूर्व इस दल बदल पर आपकी क्या राय है? आगामी विधानसभा चुनाव में कौन किस पर कितना भारी पड़ेगा? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इसके साथ ही अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।